अंजलि बाबू जी नमस्कार। नमस्कार हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं कवि साहब कहूँ, अग्रवर्षी साहब कहूँ, या अनिल भाई कहूँ, या अनिल जी कहूँ, क्या कहूँ बाबू जी, पहले ये बताओ। हनुमान जी, आपको इस बाजार में 50 सालों से अधिक हो गए हैं और हम आपके छोटे भाई हैं, आप जिस नाम से संबोधित करोगे आपका स्वागत। अरे बाबा जी, आपका तो यही से, आप तो सब जगह नया बाजार, क्या नया बाजार छाए नहीं हो, सारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से आगे भी कहूँ फंड तो भी चलेगा, सब जगह आपका पूरा वो है। ये उस माँ की कृपा है और गुरु का आशीर्वाद है और आप भाइयों की दुआएं हैं जो मुझे पूरे देश का प्यार मिलता है। ये कब से हो गया आपका लेकिन जागरण, कहाँ राज, कहाँ कवि, कहाँ ये क्या, ये भेल तो कैसे हो गया आपका। हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो पेशे से कलाकार नहीं थे, गायक नहीं थे, कवि नहीं थे। आनंद बख्शी साहब फौज में थे, ऐसे तमाम लोगों का जिक्र है। और बचपन से ही मुझे कला से प्यार था, संगीत से प्यार था। अच्छा। यहाँ बैठे बैठे भी मेरे मन में संगीत घूमता रहता। अच्छा। है, कविताएं घूमती रहती हैं। इसलिए माँ सरस्वती ने जो मुझको प्रसिद्धि, जो प्यार, जो अपना आशीर्वाद देना था वो दिया। इसीलिए आज आप लोग, सब लोग मुझे प्यार करते हो, मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। ये दाल चावल, ये दाले जो है अपनी जो है, ये दालों का भाव ठीक ठाक बता दे, कोई भी कविता चलती रहती है। देखो जी, दालों में भी भाव होते हैं और कविता में भी भाव होते हैं, इसलिए भाव कभी गलत नहीं होता, भाव हमेशा ठीक होता है। भाव वहाँ भी सही रहते हैं, भाव यहाँ भी ठीक रहते हैं। पर हनुमान जी, आपके बारे में भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र भी 50 साल ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर बाजार में हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विनम्र स्वभाव आपको जैन समाज, अग्रवाल समाज, व्यापार जगत में बहुत प्रतिष्ठा देता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आपका जो डायरेक्टरी का काम है, आज हर व्यक्ति को अगर आवश्यक टाइम पर, वो गूगल में एक मिनट में सर्च नहीं कर सकता, उसको अगर अपनी पॉकेट डायरी मिल जाती है, रखी हुई डायरी मिल जाती है, तो ऑल ओवर इंडिया के वो नंबर, ये आपने जो सुविधा मुहैया कराई लोगों को, ये बड़ा काम किया। इसलिए आप व्यापारियों की नज़र में बहुत श्रेष्ठ है। आपने कई आयोजन किए जिसमें मैं मन संचालन किया, मैंने देखा कि आपका यही मन रहता है कि मेरे जितने भी अतिथि आए, मैं उनके आगे पता नहीं क्या बिछा के रख दूँ, अपनी आँखें बिछा के रख दूँ, अपना दिल बिछा के रख दूँ। आपने ये जो काम किया है, ये अपना आपका विनम्र स्वभाव है। और इसके अतिरिक्त मैंने डायरेक्टरी में कई बार पढ़ा कि आप रिश्तों के लिए जो उत्सुक हैं, जो आज समाज के अंदर कोई बिचौलिया बन के राजी नहीं है, समाज के अंदर बड़ी बड़े अच्छे घरानों के बच्चे अनमैरिड बैठे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका घर बसे, समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा हो, इसके लिए आप प्रयासरत रहते हो। और आपने इसके लिए डायरेक्टरी में भी बहुत कार्य किया है और मुझे तो लगता है कि शायद पूरे देश के व्यापार जगत के लोग और अग्रवाल समाज के साथ जैन समाज के लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपको एक अलग प्यार मिलता है, क्योंकि आप स्वभाव से बहुत विनम्र हैं, सभी को इज्जत मान देते हुए चलते हैं और सभी की तरक्की में आपका मन रहता है कि हर व्यक्ति तरक्की करे, तब आपके चेहरे पर उत्साह मिलता है। और मैं तो कोई उपलब्धि होती है, जहां आप मिलते हो वहीं हाथ जोड़कर बधाई देते हो, आप उम्र में बड़े हो उसके बावजूद भी आप इतना प्यार देते हो सब लोगों को, और अच्छा लगा कि आप आए, आपसे साक्षात्कार हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैं बधाई देता हूँ। डायरेक्टरी के बारे में डायरेक्टरी जो आपकी है उसके लिए मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि दिन दुगनी रात चौगुनी आपके लोग तरक्की करें, और आशू राय भाई जैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तमाम जितनी टीम है मैं उससे भी वाकिफ हूँ, सब लोग बहुत कर्मठ हैं, कार्यशील हैं, वो लोग सच्चे और ईमानदार हैं, पूरे मेहनती हैं। आपकी डायरेक्टरी हो, चाहे आप कोई भी काम करें, वो हमेशा सफल ही होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका उद्देश्य अच्छा रहता है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आपको देखो दिल सीधा छोड़ हो जाता है, ये कह सकता हूँ मेरे देह बाजार के हैं, ये आपका प्यार, ये मेरे देह बाजार के हैं, अग्रवर्षी साहब ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।